सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 24वां मुकाबला मुंबई और पंजाब की टीम के बीच में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब की टीम मुंबई की टीम को हराकर आईपीएल 2019 के इस खिताब को जीतने के लिए अपनी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की टीम के पास मौका रहेगा कि वह पंजाब की टीम को हराकर आईपीएल 2019 के इस पॉइंट टेबल में अपनी रैंक को बेहतर कर सके। दोस्तों पहले अगर बात करें पंजाब की टीम की, तो आपको बता दें कि इस टीम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले जिनमें से 4 में जीत हासिल करी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट maninblue.in पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करी जाए मुंबई और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए इतिहास की, तो आपको बता दें कि इन दोनों ही टीमों के बीच में अब तक आईपीएल में कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 12 मुकाबलों में जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत हासिल करी है, तो वही 11 मुकाबलों में पंजाब की टीम भी जीती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला तो टक्कर का होने वाला है। लेकिन अगर मुंबई की टीम की बात करें तो इस टीम में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। इसी के साथ टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव और पांड्या ब्रदर्स की बेहतरीन जोड़ी है, तो वही तेज गेंदबाजी की कमान जोसेफ अल्जारी व जसप्रीत बुमराह के अनुभवी हाथों में रहती है, जो की कहीं ना कहीं इस टीम को आईपीएल 2019 की सबसे मजबूत टीमों का दावेदार भी बना देती है। साथ ही दोस्तों एक अहम बात तो यह है की मुंबई की टीम की तरफ से पिछले मुकाबले में डेब्यू कर रहे गेंदबाज जोसेफ ने अकेले ही 6 विकेट ले लिए थे, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पंजाब की टीम तो आज पहले से ही खतरे में नजर आ रही है। दूसरी तरफ पंजाब की टीम की बात करें तो इसके पास क्रिस गेल और केएल राहुल जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं। साथ ही टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सरफराज खान के साथ साथ डेविड मिलर भी हैं। ऑलराउंडर के तौर पर रहते हैं सैम करन, तो वहीं तेज गेंदबाजी की कमान रहती है मोहम्मद शमी के अनुभवी हाथों में, जो कि किसी भी टीम के परखच्चे उड़ाने में तो कारगर हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज मुंबई और पंजाब की टीम जब आमने सामने होगी तो कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं रोहित शर्मा व क्विंटन डिकॉक, वहीं मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए देखेंगे सूर्य कुमार यादव, ईशन किशन, विराट सिंह और हार्दिक पांड्या। साथ ही टीम में एक और तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे कारन पोलार्ड, तो स्पिनर गेंदबाज और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए देखेंगे कृणाल पांड्या। इन गेंदबाजी की कमान रहेगी राहुल चहर के हाथों में, तो वहीं तेज गेंदबाजी करते देखेंगे जोसेफ अल्जारी और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों अगर बात करी जाए पंजाब की टीम की प्लेइंग 11 की, तो आपको बता दें कि इस टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे क्रिस गेल व केएल राहुल। टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखेंगे सरफराज खान, डेविड मिलर, मयंक अग्रवाल व मनदीप सिंह। साथ ही टीम में एक तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे सैम करन। टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी रविचंद्रन अश्विन और मुर्गन अश्विन के हाथों में। इसी के साथ टीम में तेज गेंदबाजी आपको करवाते हुए दिखेंगे मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत। दोस्तों वैसे तो हर मायने में मुंबई की टीम आज पंजाब की टीम पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पंजाब की टीम फिलहाल जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है पंजाब और मुंबई के बीच में होने वाले इस घमासान मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।